गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स. आई एम रजनी सैनी फ्रॉम आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू, योर ईवीएस सब्जेक्ट टीचर. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 19 की हाफ रीडिंग कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने देखा था मैपिंग. मैप किसी जगह को ढूंढने के लिए हमें कुछ साइन और सिंबल्स दिए हुए होते हैं, जिससे हम आसानी से उस जगह को ढूंढ सकते हैं. कल हमने स्केच देखा था, लैंडमार्क्स, विभिन्न जगहों को, भू आकृतियों को कैसे शो किया जाता है वो हमने देखा था. मैप के बारे में कल हमने रीड किया था. इसमें टाइप्स ऑफ मैप हमने रीड किए हैं, पॉलिटिकल मैप, वेजिटेशन मैप, फिजिकल मैप, ट्रांसपोर्ट मैप एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैप. इसके बाद हमने डायरेक्शंस के बारे में जाना था कि डायरेक्शंस हैं 4 डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन होती है और उनकी सब डायरेक्शंस होती हैं, और कैसे हम कंपास के थ्रू डायरेक्शंस को जान पाते हैं. इसके लिए इसमें एक निडल होती है कंपास में, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शंस को शो करती है. इसके बाद हमने बहुत सारे साइन और सिंबल देखे थे, बाउंड्रीज यानी सीमाओं को देखा था, फिजिकल फिक्चर्स देखी थी, और कम्युनिकेशंस के लिए कौन कौन से साइन और सिंबल्स दिए हुए हैं उनको हमने अपनी नोटबुक में भी लिख लिया था सभी ने. आज हम रीड करेंगे कलर्स, रंगों के बारे में, कि जो कलर्स हैं वो किस तरीके से मैप के अंदर शो किए जाते हैं, कौन सा कलर किसको शो करता है. देखिए, डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज ऑन मैप. अलग अलग भू आकृतियों को और जल स्रोतों को बताने के लिए हम अलग अलग कलर्स का यूज करते हैं. तो सबसे पहले देखिए ब्लू कलर, और ब्लू कलर किसको शो करता है, वाटर बॉडीज को, पानी को. हम लोग जब भी ड्राइंग बनाते हैं तो ब्लू कलर किसको शो करेगा, वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज पानी के जितने भी स्रोत हैं, जैसे रिवर्स है, पॉन्ड है, लेक है, सी है, ओशियंस है, वो सब इसमें शामिल है, वाटर बॉडीज. नेक्स्ट है येलो, और येलो कलर किसको शो करता है, प्लेन्स. प्लेन मीन्स मैदान को शो करता है, जहां पे समतल मैदान बने हुए होते हैं, जहां हम रहते हैं उन्हें प्लेन कहते हैं, ठीक है, मैदान. ग्रीन, ग्रीन जो कलर होता है वो फॉरेस्ट यानी जंगलों को, पेड़ पौधों को शो करता है. नेक्स्ट है रेड, रेड कलर जो है वो प्लेटूज, पठार को शो करता है, जो उबड़ खाबड़ जो जगह होती है जहां, उनको प्लेटूज कहते हैं, ठीक है, पठार. ब्राउन कलर, ब्राउन कलर जो है वो माउंटेन्स को, हिल्स को शो करता है. ठीक है, तो पहाड़ों को, पर्वतों को, डेजर्ट को, इनको ब्राउन कलर से शो किया जाता है. तो ये बहुत से कलर्स होते हैं जिनका यूज हम मैप में भी करते हैं. डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियों को जानने के लिए हम इन कलर्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट है स्केल इन ए मैप. एक मैप में स्केलिंग करना, स्केल करना, कैसे हम लोग माप करते हैं, स्केल. देखिए, ए मैप इज ए मच स्मॉलर देन द एरिया शो बाय इट, सो ए स्केल हैज टू बी यूज टू ड्रॉ ऑन ए मैप. हम लोग उस एरिया को शो करते हैं. एरिया काफी बड़ा हुआ, बड़ा होता है, चाहे हमारी कंट्री का जो मैप होता है, ठीक है, उसमें देख लीजिए, या कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का उठा के देख लीजिए, क्षेत्र तो वो बड़ा होता है, एरिया तो वो बड़ा होता है, लेकिन हम मैप में उसको छोटा सा शो करते हैं, करते हैं नहीं करते, ठीक है. तो वो जगह तो काफी बड़ी होती है, लेकिन हम मैप में उसको छोटे रूप में शो करते हैं. ए स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ ए मैप. देखिए, किसका रेशियो बताया गया है हमें, अगर स्केल मैप में हमें दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, तो उसके लिए किसका रेशियो बताया गया है, बिटवीन मींस बीच में, किसका, डिस्टेंस का. डिस्टेंस मींस दूरी कितनी है, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड की दूरी कितनी है, और
उसमें हम मैप में उस डिस्टेंस को किस तरीके से शो करते हैं, ठीक है, दूरी को बताना है उस ग्राउंड की. इट इज ऑलवेज गिवन इन ए कॉर्नर ऑफ ए मैप. जो स्केल है वो हमेशा मैप के कॉर्नर में दिया गया होता है. कॉर्नर में, साइड में आप मैप देखना, उसमें स्केलिंग ऐसे दी हुई होती है. तो हमेशा जो स्केल है वो कहां रहता है, मैप के कॉर्नर में होता है, साइड में होता है. ए स्केल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ए मैप. एक मैप का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका स्केल. इट रिलीज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस ऑन ए मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस. ये किसके मध्य में हमें रिलेशन बताता है, उस डिस्टेंस को बताता है, उस दूरी को बताता है, और उस मैप में हमने उस दूरी को कैसे शो किया है वो हमें बताता है. तो स्केल से हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग मैप के अंदर उसको दूरी को शो करते हैं. इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल बताया गया है. इस एग्जाम्पल को आप समझिए. इस एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कि उस जगह की दूरी कितनी है और उसको हमने मैप में किस तरीके से शो किया है. इसके लिए देखिए, एक एग्जाम्पल आपको बताया है, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू लखनऊ. दिल्ली से लखनऊ की जो दूरी है वो कितनी बताई गई है, 400 किलोमीटर. ठीक है, 400 किलोमीटर बताई गई है ऑन द ग्राउंड, बट ऑन द मैप. लेकिन इस मैप के ऊपर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस इज ओनली 4 सेंटीमीटर. लेकिन हम जो 400 किलोमीटर की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको किसमें शो करेंगे, केवल 4 सेंटीमीटर में. 4 सेंटीमीटर में इसको शो करेंगे. 400 को किससे डिवाइड कर दिया हमने, 4 से. 4 सेंटीमीटर से शो करेंगे, सॉरी 100 से. तो देखिए, इसका एग्जांपल हमें बताया गया है, दैट मींस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100. 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, 100. यही हमने यहां शो किया गया है कि जो 400 था उसको हमने 4 सेंटीमीटर में शो कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह की दूरी 800 किलोमीटर है तो हम उसको 8 सेंटीमीटर से शो करेंगे, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो किसी भी जगह की अगर दूरी ज्यादा है तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में निकाल के उसको मैप में शो करते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है, 800 है तो 8 सेंटीमीटर शो करेंगे किसी भी जगह की दूरी. यहां हमारे पास 400 किलोमीटर था तो हमने 4 सेंटीमीटर से उसको शो कर दिया. अगर किसी जगह की स्पेस की जो डिस्टेंस है वो 800 है तो उसको 8 सेंटीमीटर से हम लोग शो कर देंगे. ठीक है, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे. यहां बताया गया, देखिए, डिवाइडिंग 400 by 4, दिस इज नो एज द स्केल ऑफ ए मैप. इस तरीके से हम एक मैप में स्केलिंग करते हैं, स्केल से ऐसे डिस्टेंस को कम दूरी में दिखाते हैं. जितनी जो दूरी होती है उसको मैप में हम लोग इस तरीके से सेंटीमीटर में शो करते हैं. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग. पहले बुकवर्क कंप्लीट करते हैं. नंबर 1, फर्स्ट नंबर पे देखिए, इफ वी स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन. राइजिंग मीन्स सन का उदय होना, उगना. और सनराइज कौन सी डायरेक्शन में होता है मैम, ईस्ट. ईस्ट में. और सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट. तो फर्स्ट नंबर में हम लोग सी को टिक कर लेंगे, ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, नंबर 2, ए स्केल रिलेटेड दिस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन ए मैप. एक स्केल है वो रिलेटेड किससे जुड़ा हुआ है, बिटवीन किस जगह की, बीच की दूरी है, प्लेसेस ऑन ए मैप, किसकी, डिस्टेंस की, उस प्लेस की डिस्टेंस कितनी है और उसको मैप में हम लोग शो करते हैं. डिस्टेंस पे, दूरी पे डिपेंड है. ठीक है,
एक स्केल किससे जुड़ा हुआ है? डिस्टेंस से, दूरी से। दूरी से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट नंबर थ्री, द नंबर ऑफ मैन डायरेक्शंस इज, कितने डायरेक्शंस हैं? फोर। और सब डायरेक्शन कितनी है? वो भी कितनी है? फोर ही है। फोर मैन डायरेक्शन होती है और इनके बीच की जो डायरेक्शंस होती हैं वो फोर सब डायरेक्शन होती है इनकी, सहायक दिशाएं। यस, फिल इन द ब्लैंक्स। ए मैप, एक मैप रिप्रेजेंट, प्रस्तुत करता है द लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑन ए सरफेस। एक मैप होता है उससे हम एग्जिट लोकेशन बताते हैं, सही स्थिति बताते हैं किसी भी जगह की। और उसकी सरफेस कैसी होती है? मैप कैसा होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट नंबर में एग्जिट लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे मैप है वो फ्लैट होता है। मैप किसको प्रस्तुत करता है? एग्जिट लोकेशन को, किसी भी जगह की सही स्थिति को। और उसकी सतह कैसी होती है? फ्लैट होती है। नंबर बी, एन इज ए बुक ऑफ मैप। बुक ऑफ मैप उसको क्या कहा जाता है? जो मैप की बुक आती है उसको क्या कहते हैं? कल वर्ड मीनिंग में भी लिखवाया था, एटलस। एटलस कहते हैं। एटलस। नंबर सी, लैंडफॉर्म्स विभिन्न भू आकृतियां एंड वाटर बॉडीज जो पानी के स्रोत हैं आर शो ऑन ए मैप। कौन से मैप में शो होते हैं बताइए? लैंडफॉर्म्स, भू आकृति और वाटर बॉडीज, पानी के जो स्रोत हैं, बताइए टाइप्स ऑफ मैप में देख के। फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, फिजिकल मैप। यस, ये इसके ऊपर है। फिजिकल मैप, बिल्कुल फिजिकल मैप में शो होती हैं। नंबर डी, ए स्केल, एक स्केल इज ऑलवेज गिवन इन ए ऑफ ए मैप। एक स्केल जो है वो मैप में कहाँ स्थित होती है? मैप जो होता है उसके कॉर्नर में, बिल्कुल साइड में होता है स्केल, तो कॉर्नर में लिखेंगे। CORNER, कॉर्नर। मैम किसका नाम सर की? मैम आप फोटो सेंड कर देना। यस। नेक्स्ट देखिए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस, अंतर बताना है हमें। गुड आफ्टरनून बेटा। बिटवीन ए स्केच एंड ए मैप, एक मैप और जो स्केच होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, उसमें क्या अंतर होता है, वो हमें बताना है। बता सकते हैं? स्केच क्या होता है? रफ ड्राइंग होती है, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। और मैप है उसमें स्केलिंग होती है, सही मैप होता है। यस, ए स्केच इज ए रफ ड्राइंग, स्केच है वो रफ ड्राइंग होती है किसी भी प्लेस की। एंड ए मैप रिप्रेजेंट द एग्जिट लोकेशन ऑफ ए प्लेस, लेकिन जो मैप होता है वो हमें सही जानकारी देता है किसी भी जगह के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द यूज ऑफ ए स्केल ऑन ए मैप? एक मैप में स्केल का क्या यूज होता है? वो हमें सही किसी भी क्षेत्र की दूरी को बताने में हमारी हेल्प करता है, डिस्टेंस को बताने में हमारी हेल्प करता है। तो देखिए, ए स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस
ऑन द ग्राउंड, किसकी दूरी है, ग्राउंड की दूरी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ ए मैप जो मैप में शो की जाती है, किसी भी जगह की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसको हम लोग मैप में शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज ए लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या होते हैं, जगह जगह जो हमें बोर्ड दिखाई देते हैं वो हमें क्या शो करते हैं, लैंडमार्क्स ही होते हैं जो विभिन्न जगहों के स्थलों को हमें बताते हैं। हाँ, लैंडमार्क्स आर रिफरेंस पॉइंट्स और प्लेस दैट हेल्प अस लोकेट ए प्लेस वेयर वी हैव टू रीच। जिस जगह पे हमें पहुंचना है उसके लिए हमें ऐसे कुछ, जैसे मंदिर है तो हमें मंदिर का साइन मिल जाएगा, हॉस्पिटल है तो प्लस का मिल जाएगा, ये लैंडमार्क्स बने हुए होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी जगह को ढूंढने में जहां हमें पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई आर सिंबल्स इंपॉर्टेंट। जो सिंबल्स हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि वो हमें मैप में सही इंफॉर्मेशन को बताते हैं। साइन एंड सिंबल्स आर यूज टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ मैप। मैप के अंदर कहाँ रोड लाइन है, कहाँ रेलवे लाइन है, कहाँ एयरपोर्ट है, कहाँ वाटर बॉडीज है, इन सबको शो करने में हमें जो साइन और सिंबल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप। बता सकते हैं फिजिकल मैप में और पॉलिटिकल मैप में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या बताया जाता है? सबसे पहले बताइए फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप बताइए, पीछे से देख के बुक में दिया हुआ है। दिस मैप शो द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एंड द क्रॉप ग्राउंड इन द रीजन। यस, वेरी गुड। फिजिकल मैप क्या शो करता है? दीज मैप शो नेचुरल और फिजिकल पिक्चर्स ऑफ ए प्लेस सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, सी, रिवर्स एंड लेक। ठीक है, नदियों को, झीलों को, तालाबों को, माउंटेन्स को, इनको शो करते हैं हम लोग फिजिकल मैप में। ठीक है, तो ये कंप्लीट आ जाएगा इसमें। दीज मैप शो नेचुरल और फिजिकल पिक्चर्स ऑफ ए प्लेस सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, सी, रिवर्स एंड लेक्स। नेक्स्ट है इसमें पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप बताइए किसको शो करता है? वेरी गुड, बाउंड्रीज, कंट्रीज, सिटीज, लोकेशन। यस, इनकी सभी की लोकेशन, जो स्टेट की लोकेशन है, डिस्ट्रिक्ट जो है, उन सभी की लोकेशन को और इम्पोर्टेंट सिटीज को हमें जो पॉलिटिकल मैप है वो बताता है। तो ये बाउंड्रीज को बताता है, सभी कंट्री की जो बाउंड्रीज लगी हुई है, कहाँ कौन सी कंट्री है, कहाँ कौन सी देश की शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है। तो इस तरीके से जो मैप में जो भी बनी हुई है रेखाएं, इस तरीके से वो सब बाउंड्रीज को शो करती है। ठीक है, किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी सिटी की। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम, इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। यस बेटा, यस 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 मैम, क्वेश्चन आंसर की पिक सेंड करोगे क्या? यस, नेक्स्ट चैप्टर 20 हम लोग कल रीड करेंगे। ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स। ओके मैम, बाय मैम। बाय बेटा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। बाय मैम।
इसको लर्न भी करना है बुक वर्क को आपको. ओके मैम. ठीक है मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय. हैव ए गुड डे. थैंक यू.